वन थंबनेल के लिए भी नहीं पकड़ा था, इतना बड़ा बॉक्स है। गिरा। I think it looks nice. मैं बिल्कुल ही oversize कपड़े भी पहनती हूँ and I think it looks cool. मुझे पहनना चाहिए थोड़े बहुत oversize कपड़े। This is literally giving that किसी disco में जाए जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आई साउंड वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज लिटरली द बिगेस्ट अर्बेनिक हॉल ऑफ माय लाइफ। मतलब इतना सारा सामान है ना, इसमें फिट भी नहीं आ रहा है। लिटरली शॉप्ड एवरीथिंग फ्रॉम ईच कैटेगरी। समर्स का नहीं है, विंटर्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली विंटर स्पेसिफिक हॉल होने वाला है। सो काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग करी है फ्रॉम विंटर कैटेगरी। एक दो चीज़ें समर्स की भी हैं जो थोड़ा बहुत लाइक विंट्री ऑटम ऐसे वेदर में भी चल जाएगी। सो यू विल गेट अ गुड वराइटी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो भी लोग शॉप करना चाहते हैं फॉर विंटर कैटेगरी एज वेल, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ऑल्सो आई हैव अ डिस्काउंट कोड फॉर यू गाइज एज वेल, जो आप अर्बेनिक पे यूज कर सकते हो। वैसे भी अर्बेनिक की सेल चलती रहती है, अप टू 70% ऑफ हमेशा आपको मिलता ही रहता है। और मेरा कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। कोड मैं आगे बताने वाली हूँ, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई विल गो रैंडमली, जो मेरे हाथ में आया मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले है ये डेनिम, जो मेरी फेवरेट है इस हॉल में से। आजकल मुझे वाइड लेग वाली जीन्स काफी पसंद आ रही है। मैंने एक ली थी दूसरी वेबसाइट से और लिटरली मैंने उसको पहन पहन के घिसा दिया। सो आई वाज लाइक आई हैव टू बाय समथिंग मोर इन कलर्स। और मैंने अर्बेनिक के कभी भी डेनिम्स नहीं ट्राई किए, तो सबसे बेस्ट टाइम था ये शॉप करने का कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ अर्बेनिक की डेनिम्स कैसे आती है। मैंने दो ऑर्डर करी है बाय द वे। सबसे पहले मैंने ये ब्राउन कलर की ऑर्डर करी है। द ब्रांड नेम ऑन अर्बेनिक इज सिंप्लिसिटी, इसका नाम है सिंप्लिसिटी वाइड लेग जीन्स। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना। सो ये मैंने कलर ऑर्डर किया इन द शेड ब्राउन। इसमें आपको ब्लैक मिल रहा है, एक लाइट ब्लू मिल रहा है, एक टर्कोइस कलर मिल रहा है विच इज क्वाइट अन यूजुअल। और इसमें जो साइजेस है ना वो है एक्सएस एस एम एल ऐसे करके हैं। तो मैंने जिसमें जो साइज ऑर्डर किया है वो है एम। इसमें आप जब क्लिक करोगे ना गेट साइज हेल्प पर जाना, आपको लिटरली पूरा यहाँ पे साइज चार्ट दिख जाएगा। वो आपको ऐसे करके साइज चार्ट दिखाएंगे। सो आप अगर क्लिक करोगे लाइक बस्ट पे वेस्ट लाइन पर, नीचे आपको ये रेफरेंस वाला साइज चार्ट दिख जाएगा। सो आप अच्छे से इंची टेप से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो मेरा जो सबसे क्लोज मैच आ रहा था वो एम का ही आ रहा था बिकॉज मुझे ब्लोटिंग का इशू है एंड आई वॉज राइट। एम की फिटिंग मुझे इतनी अच्छी आई है ना, ऑनलाइन जीन्स ऑर्डर करो एकदम प्यारी फिट आ जाए ना, बड़ी खुशी हो जाती है। साथ ही यस फाइनली सफल हो गया ऑनलाइन लेना। सो ये मैंने एम में ऑर्डर किया है। आई लव इट, हाई राइज है जो एक परफेक्ट वाइड लेग आजकल जो जीन्स चल रही है ना हाई राइज वाली। एंड आई लव द फैक्ट ये ओवर लंबी नहीं है बिकॉज काफ़ी सारी जो जीन्स मैं ऑनलाइन लेती हूँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, फिर मुझे उनको कट करना पड़ता है। इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट है। इसके साथ मैं कोई स्नीकर्स पहनूंगी, कोई बूट्स पहनूंगी, हील्स पहनूंगी तो और अच्छी ग्रेसफुल लगने वाली है। आजकल थोड़ा सा फैशन चल रहा है लॉन्ग लॉन्ग डेनिम्स एंड पैंट्स पहनने का, आजकल वो शॉर्ट वाली डेनिम्स कोई पहनता नहीं है। सो इसलिए इसकी लेंथ उस हिसाब से परफेक्ट है। पॉकेट इसकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो मेरे ऊपर फिट कितनी प्यारी आई है। इसकी पॉकेट इसकी अच्छी लाइक आई वुड से प्रॉपर डीप पॉकेट है। यूजली आजकल ब्रांड्स में इतनी डीप पॉकेट आती नहीं है। बैक में भी आपको दो पॉकेट्स मिल रही है। इज लिटरली द परफेक्ट ब्राउन कलर जो मैं ढूंढ रही थी। काफी जेंजी वाइब्स भी ये देता है और आजकल तो वैसी वाइल्ड लाइफ का फैशन है। जितनी मेरी पेंसिल और टाइट वाली डेनिम्स है ना वो बेचारी कोने में बैठ के रो रही है बिकॉज आजकल सब यही पहनते हैं। बट दीज आर कंफर्टेबल, मुझे जेनुअनली वाइल्ड लाइफ का कंफर्ट बिल्कुल सूट कर गया है, मुझे अच्छी लगती है। ये वेस्ट से ज्यादा फंसी हुई नहीं है, नीचे से एकदम खुली खुली जाती है। अभी ठंड है ना तो अगर आपको बहुत एक्सट्रीम ठंड में पहनना है आप अंदर वार्मली टाइट भी पहन सकते हो बिकॉज वाइड लेग जीन्स थोड़ी सी लूज लूज होती है तो एक अच्छा मार्जिन होता है। नेक्स्ट आइटम है समथिंग, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना आपको कोई ना कोई फैशन इन्फ्लुएंसर ये पहनता हुआ दिख ही जाएगा। इसकी आजकल बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है, हाइप चल रही है। सो मैंने भी ऑर्डर कर दिया और बैने पे मुझे दिख गया था। अगर आप बाकी ब्रांड्स में जाओगे ना मॉल से लोगे ये आपको काफी एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन अर्बेनिक पर काफी अफोर्डेबल है। 1790 है लेकिन 1432 के अराउंड ये सेल प्राइस में मिल जाती है। इसमें भी आपको साइजेस मिलते हैं और इसमें जो मैंने साइज ऑर्डर किया है दैट इज आई थिंक द साइज आई ऑर्डर्ड इज एस बिकॉज थोड़ी सी लूज लूज फिट की होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ना अर्बेनिक में लिखा भी हुआ है कि मॉडल ने क्या साइज पहना हुआ है, तो आपको एक रेफरेंस आइडिया भी लग जाता है। प्लस आपको साइज चार्ट तो मिलता ही है, तो मॉडल ने जो साइज पहना और साइज चार्ट आप दोनों को जब जज करोगे ना अच्छे से मिक्स करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या सूटेबल आने वाला है। सो मुझे एक्सएस की फिट और अच्छी आती है लेकिन ये जो स्टाइल है ना वूल वाले कोट का थोड़ा सा लूज लूज जाता है, तो इसलिए मैंने एस मंगाया है। एंड आई वॉज राइट, इसका हल्का सा एक अच्छा लूज बैगी फिट जैसा आया है। सो अगर आप फिटेड चाहते हो आप एक साइज डाउन ले सकते हो, बट मुझे इसका फिट काफी अच्छा लगा। इसके शोल्डर भी हल्के
तरीके से ड्रूपी आप बोल सकते हो, थोड़ी एक ओवर साइज कूल लुक देता है, बिल्कुल वो जेंजी वाइब्स जो चल रही है। आई एम अ मिलेनियल लेकिन मैं जबरदस्ती जेंजी बनने की कोशिश करती हूँ जवान लगने के लिए, हार्ड फैक्ट, बट आई लव इट। आई थिंक इसके साथ और ये जो डेनिम है ना, इसका कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा। इसके साथ ब्लैक कलर के या फिर कोई लाइट कलर के बूट्स पहन लो, बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए मैंने ये वाला कलर मंगवाया बिकॉज आई थिंक ये सबके साथ जाने वाला है। इट हैज दैट यू नो ब्राउनिश टोन होती है, सबके साथ ही जाती है और ये वॉर्म है। आई वोंट से कि फैशन का है तो कॉटन का है, आप देख सकते हो ये वूल का बना हुआ है तो ये काफी वॉर्म फील होता है। मैं ये नहीं कहूंगी इसको पहनते ही आपकी एकदम ठंड रुक जाएगी, इतना भी कोई मोटा स्टफ नहीं है, बट आई थिंक अगर आप बॉडी वार्मर पहन लोगे, नीचे को स्वेटर डाल लोगे और उसके ऊपर इसे पहनोगे ना, ये आपको काफी अच्छी वॉर्म देने वाला। नेक्स्ट अप आई ऑर्डर फ्यू कलरफुल स्वेटर्स। विंटर्स में ना बड़ा बोरिंग हो जाता है बिकॉज सारे कपड़े ऐसे डार्क डार्क होते हैं, तो ऐसे कलरफुल स्वेटर्स ले लो ना तो पूरी लुक ऐसे वाइब्रेंट हो जाती है। वैसे भी हमारे जितने भी कोट्स होते हैं, कोट तो इतना लेता नहीं है कोई ज्यादा वैरायटी में, लाइक मेरे पास 3 या 4 कोट हैं, दैट्स इट। मैं अननेसेसरी बड़े बड़े कोट्स नहीं खरीदती हर बार, वो 2 या 3 कोट में भी काम चल जाता है। सो वैरायटी लाने के लिए आप अंदर के स्वेटर्स को बार बार चेंज कर सकते हो और ऐसे बेसिक स्वेटर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं भरी से भरी सर्दियों में और जो हल्का वाला ठंड वाला मौसम होता है तभी भी। सो दीज आर लाइक मस्ट हैव इन योर वार्डरोब। सबसे पहले मैंने पिक किया है ये प्यारा सा येलो मस्टर्डी वाला जो टोन है, मतलब एकदम तड़कता हो येलो कलर भी नहीं है लेकिन एक अच्छा येलो मस्टर्ड के टोन का, ऑलमोस्ट यू कैन से हाईनेक भी नहीं है, टर्टल नेक आई वुड से। मुझे वो वाले हाईनेक्स नहीं पसंद। लाइक कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू आर लाइक मी कि वो ऐसे ऊंचे ऊंचे हाईनेक पहनने के बाद आप सारे दिन ऐसे ऐसे करते रहते हो। आई डोंट नो, मुझे ये आदत है, मेरा ऐसे गले पे कुछ टच होता ना तो मुझे ऐसा होता है ओ माय गॉड सफोकेशन हो रही है। इसका नाम है सिंप्लिसिटी पुल ओवर स्वेटर। इसमें आपको 4 कलर्स मिलते हैं, एक मिलता है रेड, देन ऑरेंज, एक बहुत पॉपिंग सा ग्रीन भी मिलता है और ये है येलो। मेरे पास ऑलरेडी एक पिंक और रेड टोन में स्वेटर है तो मैंने येलो कलर ऑर्डर किया। अगर आप रेड टोन में लेना चाहते हो ना तो उसका काफी अच्छा है। बाय द वे जो मैंने पहना हुआ है ये भी अर्बैनिक का ही है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लास्ट ईयर नहीं इसी साल मैंने फेब मार्च के अराउंड अपना फर्स्ट अर्बैनिक का हॉल शूट किया था, उसमें मैंने यही वाला शॉप किया था। दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, इसमें यहाँ पे बटन की डिटेलिंग भी है। सो ऐसे वाले टोन के भी आपको स्वेटर्स अर्बैनिक पे मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको मेरे प्रीवियस हॉल में मिलेगा या यहाँ पर भी दे दूंगी, अगर अवेलेबल होगा तो मैं नीचे लिंक इसका डाल दूंगी। बट दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, यू कैन सी द फिट ऑन मी, इसकी बहुत प्यारी फिट आई है। शोल्डर्स एकदम परफेक्ट फिट आई है, शोल्डर में बिल्कुल भी ड्रूपी नहीं है। काफी बार आप बड़े बड़े स्वेटर वैसे लेते हो ना, इधर गिर रहे होते हैं इधर जा रहे होते हैं, एक फिटेड लुक नहीं आती। इसमें काफी अच्छी स्नैच्ड और नीट लुक आती है, विच आई पर्सनली लव। ये बाय द वे 1 साइज है, इसमें कोई साइज नहीं आता, तो 1 साइज के हिसाब से मुझे बहुत प्यारी फिटिंग आई है। स्ट्रेचेस का काफी अच्छा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है। सो आई थिंक मीडियम टू लार्ज भी इजिली इसमें फिट हो सकता है, द स्ट्रेच इज रियली नाइस। सो या आई रियली लाइक इट, आई थिंक काफी पॉपिंग सा कलर है, आप कोई भी कलर के कोट के साथ डालोगे ना तो एक कंट्रास्ट में बहुत प्यारी लुक देगा। सेकेंड वन इज द स्काई ब्लू, लेकिन इसका एक डिफरेंट स्टाइल है। ये फुल स्लीव्स का स्वेटर नहीं है, ये कुछ ऐसे ड्रॉप स्लीव या फिर मेगा स्लीव जैसा होता है ना, वैसा इसका स्टाइल है। इस वाली स्लीव में ना बस ये है, हाथ आपके थोड़े से थिक लगते हैं, मोटे लगते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल तो ही लेना, बट अदरवाइज द चॉइस इज योर्स। बट आई थिंक कोट्स के नीचे के लिए एकदम परफेक्ट है। काफी बार हम बड़े बड़े ऐसे हैवी कोट पहनते हैं, फिर जब उनको पहनो तो गर्मी लगती है, उतारो तो ठंड लगती है, तो उससे अच्छा आप ऐसे वाले स्वेटर्स अंदर पहन लो, या आपको फ्रंट से बिल्कुल ऐसी स्वेटर वाली लुक ही देंगे बिकॉज इतना तो कोट ही आ जाता है और ओवरऑल भी प्यारे लगते हैं। आई लव द कलर, बहुत प्यारा इसका पाउडर ब्लू स्काई ब्लू जैसा कलर है जो काफी वाइब्रेंट लगता है, बहुत एक अच्छी कॉर्पोरेट ऑफिस लुक भी दे रहा है। लव द फैक्ट इनके जितने भी स्वेटर्स मैंने अभी तक लिए हैं ना, ये सबकी लेंथ बहुत अच्छी है। दे आर नॉट दैट क्रॉप छोटे छोटे वाले स्वेटर्स, बिकॉज आई नो अभी भी मेरी बहुत सारी ऐसे ऑडियंस है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अननेसेसरी ऐसे क्रॉप वाले टॉप्स नहीं पहनना प्रेफर करती। वी लाइक प्रॉपर डिसेंट लेंथ के टॉप, अगर कहीं ऑफिस जाना हो काम पर जाना हो तो एक अच्छी डिसेंट लेंथ ही अच्छी लगती है। सो इनकी लेंथ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी छोटे वाले नहीं है। सो अगर आप हाई राइज डेनिम के साथ भी टक करोगे या फिर लॉन्ग आपको नहीं टक करना, आपको बाहर निकाल के भी रखना है, तभी भी काफी अच्छे लगते हैं। सो या आई रियली लाइक इट। एंड द थर्ड वन इज द क्यूटेस्ट, लाइक क्यूटेस्ट, ये सबसे क्यूटेस्ट स्वेटर है पूरे हॉल का। आई थिंक मैंने 3 बार क्यूट बोल दिया, बट ये काफी अच्छा है सोली बिकॉज ऑफ दिस डिटेलिंग ऑफ हार्ट। इस पे जो यहाँ पे हार्ट जा रहा ना, ये बड़ा क्यूट वाइब्स दे रहा है। सो ये है एक ग्रीनिश कलर का स्वेटर, ये फुल स्लीव्स का है और यहाँ पर आपको ना जिप मिलती है। सो उसको आप दोनों स्टाइल से कैरी कर सकते हो, या तो आपको जिप पूरी ऊपर तक कर लोगे तो आपको प्रॉपर वो टर्टल नेक वाली फील देगा जो ऊपर तक जाती है, और अगर आप जिप खोल दोगे हल्का सा कॉलर को डाउन कर दोगे तो एक बहुत प्यारी क्यूट लाइक जो रेगुलर वाले टॉप होते हैं वैसे लुक देगा। एंड लुक एट द हार्ट हेयर, कितना प्यारा है वाला हार्ट लग रहा है। मुझे इसकी लुक ही पूरी आई थिंक इस हार्ट शेप की वजह से आ रही है, ये काफी क्यूट जेंजी वाली वाइब्स दे रहा है। अगेन वेरी वेरी सॉफ्ट, इसका जो मटेरियल है इन दोनों के मटेरियल से हल्का सा मुझे पतला फील हो रहा है, बट इट इज सॉफ्ट, इट इज लाइक इनफ फॉर वेदर लाइक जो अक्टूबर का वेदर होता है सर्दियां आने वाला, या फिर जो अभी फेब मार्च में वेदर आएगा ना सर्दियां जाने वाला जो वेदर होता है, ऐसे वाले वेदर के लिए काफी अच्छा है, काफी अच्छा
सॉफ्ट सूदिंग फील होता है स्किन पर. अगेन लेंथ ऑफ दिस वन इज रियली गुड, आप देख सकते हो इसकी भी लेंथ काफी अच्छी है. ये भी वन साइज है बाय द वे. नेक्स्ट वेट इज अ स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट. इस हॉल में एक ही कंप्लेंट है मुझे इसी आइटम के साथ, बिकॉज इसके साथ जो दिखाया है वो नहीं आया. सो इमेजेस में था कि इसमें बेल्ट भी थी लेकिन बेल्ट नहीं आई, सो मुझे अपनी कोई बेल्ट यूज करनी पड़ेगी. इसके वाली आती ना तो लुक काफी अच्छी आती, बट ये वाला स्वेटर भी बहुत वायरल है. ये लास्ट ईयर भी काफी ट्रेंडी था और इस साल भी काफी ट्रेंडी में चल रहा है. इसके बाद लड़कियां वो लेदर की पैंट्स पहनती हैं, टाइट्स पहनती हैं, बूट्स पहनती हैं. देखो यहाँ पर मैं स्टाइल तो करके दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज ये हॉल है, तो खाली मैं आपको ट्राई ऑन करके ही दिखा सकती हूँ. बट आपको उसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर. इंस्टाग्राम पर जब मैं पहनती हूँ तो मैं स्टोरीज डालती हूँ, तो आपको पूरी लुक का आइडिया होता है कि जब मैं इसको स्टाइल करती हूँ तो कैसा लगता है. बट इसके बाद डेफिनेटली मैं अपनी लेदर की जो टाइट्स या फिर जो नॉर्मल वार्म टाइट्स होती हैं उसके साथ पहनूंगी. ये बहुत प्रिटी लगेगा बिकॉज की लेंथ एकदम सूटेबल है. जो विंटर वाली टाइट्स होती है ना उसमें पीछे से स्टिचिंग जाती है, वो आपकी नॉर्मल जेगिंग जैसी नहीं होती, तो उसको ना शॉर्ट टॉप्स के साथ आप नहीं पहन सकते. उसके लिए यू वॉन्ट समथिंग जो आपका हिप एरिया कवर करे, और ये हिप एरिया ही कवर करती है लेंथ. सो दिखती है कुछ इस तरह से. यहाँ पे एक हल्की सी आपको स्लिट मिल रही है और यहाँ पर आपको मिलता है बेल्ट डालने का, यहाँ पे लूप मिलता है पूरा. यहाँ पे आपको दो लूप्स मिल रहे हैं, आप पूरा एक बेल्ट को रैप अराउंड कर सकते हो और इससे बहुत अच्छी फिट आती है. दिस इज स्लीवलेस, तो इसके नीचे आप कोई भी शर्ट पहन सकते हो. लाइक हल्की सी अगर कम ठंड है तो आप कोई भी व्हाइट कलर की शर्ट इसके साथ पहन लो, अगर ज्यादा ठंड है तो आप कोई ब्लैक या फिर लाइट कलर का भी प्लेन स्वेटर इसके साथ पहन सकते हो. सो इसमें भी आपको चार कलर मिलते हैं. ये है ब्राउन कलर, इसमें आपको मिलता है ब्लैक, एक ब्लू कलर मिलता है, एक बहुत प्यारा खाकी कलर मिलता है जो एकदम क्रीम ऑफ वाइट जैसा कलर है. इसका भी प्राइस सेल पर काफी अच्छा 1352 के अराउंड मिल रहा है सेल पर. अगेन यू कैन यूज माई कोड, बाय द वे द कोड इज कशिका 25, मैं बताने ही भूल गई. कशिका 25 इज द कोड. अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप ओल्ड यूजर हो, लाइक आप पहले से शॉप कर चुके हो, तो इस कोड को यूज करके आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अबव ऑल द सेल डिस्काउंट जो आपको ऐप पर मिल रहा है. और जो भी डिटेल्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इन सबके लिंक्स और जो भी इनके कोड है, आइटम कोड या जो भी है, मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज चेक कर लेना. सो ओवरऑल आई लाइक इट. अभी तक तो मैं बेल्ट लगा के नहीं बता सकती बिकॉज यहाँ स्टूडियो रूम में मेरे पास बेल्ट ही नहीं है. बट या आई थिंक इट इज वार्म. द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस स्वेटर, ये वार्म है, ये वो स्टाइलिश वाला खाली दिखाने के लिए नहीं है. ये एक्चुअल में वो वूल वाले जो स्वेटर्स होते हैं ना जो ग्रैंड मा के टाइम से चलते आ रहे हैं, वार्म वाला स्वेटर है. तो इसको जब स्टाइल करूंगी ना तो ये वार्म्थ भी देगा अच्छी खासी और एक अच्छी लुक भी आएगी. नेक्स्ट अभी स्वेटर जो मेरी विशलिस्ट में आई थिंक 2 साल से था, स्टिल रिमेंबर डेट, या फिर 2 साल पहले जारा ने ऐसा कुछ स्टाइल निकाला था, उसके बाद ये काफी वायरल हो गया और अब तो अर्बैनिक पे मिल रहा है बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे. सो बेसिकली सेट ऑफ 2 में आता है. आई लव द कंसेप्ट, काफी यूनिक और वर्सेटाइल सा कंसेप्ट है. सबसे पहले आपको स्लीवलेस स्वेटर मिलता है इसके साथ सेम कलर का, जिसको आप ऐसी वैसे खाली भी पहन सकते हो, किसी और कोट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. सो ऐसे सेट्स लेने का ये फायदा होता है, आप मल्टीपल वेज में इसको स्टाइल कर सकते हो. तो ये स्वेटर आता है और उसके ऊपर आता है ये स्लीव वार्मर. आई थिंक सबने जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल देखते हैं, जिसको भी देखो ये कोई ना कोई तो पहनता ही है. सो फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे ऐसे स्लिट होती है इसमें दोनों साइड एंड यू गेट दिस हाईनेक सॉर्ट ऑफ थिंग. और ये काफी लूज वाली हाईनेक है, वो चिपकने वाली हाईनेक नहीं है, तो ये बिल्कुल भी वो इरिटेशन नहीं देती है, ऐसे ढीली ढीली जाती है, विच इज बिग ये फॉर मी. एंड इसकी जो स्लीव्स है बलून स्लीव्स है जो काफी सुंदर लगती है. विंटर्स में ऐसी बलून स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है, ऐसे बैगी बैगी लूज वाली, और यहाँ से जो फिटेड होती है बलून स्टाइल बेसिकली इसको बोलते हैं. सो ये स्लीव वार्मर होता है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली स्लीव्स के लाइक ऊपर से डालने के लिए होता है. सो अपनी कोई भी ड्रेस के साथ ये डाल सकते हो, लाइक अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रेस है जो स्लीवलेस है, फिर ठंड लगती है, आप ऊपर से भी इसको स्टाइल कर सकते हो. सो दोनों ही काफी वर्सेटाइल पीस है, आप अलग अलग वेज में भी स्टाइल कर सकते हो और एक साथ एज अ सेट तो पहन ही सकते हो. इसमें भी काफी अच्छे कलर है, यू गेट अ वेरी नाइस ऑरेंज कलर, कॉफी कलर आता है, एप्रिकॉट कलर आता है, ग्रे आता है, ब्लैक. ओके दिस इज एप्रिकॉट, ये जो मैंने ऑर्डर किया है कलर एप्रिकॉट. सो जो बैनिक का एप्रिकॉट कलर के स्वेटर्स है ना, वो कुछ इसी तरह के टोन के होते हैं. आई थिंक इट सूट्स माई टोन वेरी वेल, अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन पर भी. सो या दिस इज ऑल्सो नाइस. आई थिंक अगर आप ज़ारा नॉल से लोगे ना तो आपको 3 या 4 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, और बैनिक पर अभी आपको 1600 का मिल रहा है, विच इज क्वाइट अ स्टील. नेक्स्ट अप इज समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और लिटरली मैंने कॉम्प्रोमाइज किया साइज में, बिकॉज इसमें खाली साइज मिल रहा था एक्सेस, एंड आई वॉज लाइक अच्छा लग रहा है यार, बटन तो बंद करना नहीं है तो ले ही लेती हूँ. एंड आई वॉज राइट, ये वैसे तो अच्छा आ रहा है मुझे, लेकिन बटन जब बंद कर रहा हूँ तो काफी टाइट टाइट आ रहा है, बिकॉज मुझे एस या एम ही आता है आजकल, स्टमक एरिया के अराउंड ब्लोटिंग रहती है ना, तो एक्सेस तो बिल्कुल बंद नहीं होता. बट आई लव इट, मेरा बहुत टाइम से मन था ऐसा हॉट पिंक कलर का ब्लेजर लेने का, और ये समर वाला ब्लेजर है, लाइक ये वार्म वाला ठंड वाला ब्लेजर नहीं है, इट्स मोर लाइक अ समरिश वाला ब्लेजर, तो आपके समर्स में भी चल जाएगा और थोड़ा बहुत जो भी हल्की फुल्की जो कम कम वाली ठंड होती है तब भी चल जाएगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आप देख सकते हो पहनने के बाद ही कैसा लग रहा है. सो इसमें आपको स्लीव्स का भी काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है, बिकॉज ये थोड़ा सा समरी वाइब वाला
ब्लेजर है ना, आप इसकी स्लीव्स को फोल्ड भी कर सकते हो. आप प्रॉपर फोल्ड करो, फिर आपको वहाँ पे अंदर लूप मिल जाएगा, उस लूप को फिर आप बटन कर सकते हो और प्रॉपर आपका ये 3-4 स्लीव्स का एक ब्लेजर बन जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है. आई थिंक बहुत अच्छी बॉस लेडीज़ की वाइब्स हैं. और यू गेट दिस स्टाइल एज वेल. पॉकेट इसकी नहीं है, मतलब खाली स्टाइल की पॉकेट है. इसमें आपको यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं मिल रही, तो इसमें ऐसा कोई पॉकेट नहीं है. बट ऐसे पतला सा कोट है जस्ट फॉर अ स्टाइलिंग पर्पज. अगर आप विंटर्स में पहनना चाहते हो, कोई प्लेन डेनिम के साथ पहनोगे, जेगिंग के साथ पहनोगे, ब्लैक टाइट के साथ भी पहनोगे, तो काफ़ी अच्छी बॉस लेडी वाली वाइब्स देगा. मेरा बहुत टाइम से मन था पिंक ब्लेजर ले लेगा, सो आई फाइनली हैव द पिंक ब्लेजर. मुझे इसका शोल्डर लेंथ एकदम परफेक्ट आई, आप देख सकते हो शोल्डर पर मुझे एकदम परफेक्ट ये सूट हो रहा है. ऐसा टाइट टाइट नहीं लग रहा, खाली बटन करने में इशू हो रहा है. सो अगर आप मेरे साइज के हो, आई वुड से एस या एम ही लेना. मैं इतना पागलू दूर एक्सेस मत ले लेना, बिकॉज तब अवेलेबल नहीं था. अब चेक करूँ अवेलेबल है, अभी भी एक्सेस और एक्सएल ही अवेलेबल है. तो अगर आपको इन दोनों में से कोई साइज आते हैं, ग्रैब इट. इसका प्राइस है 1832 ऑन डिस्काउंट, आपको 20% ऑफ में मिल रहा है. ऑल्सो आपको जो मटेरियल की डिटेल्स मिलती है नीचे, वो आप पढ़ लिया करो, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा. लाइक अर्बैनिक पर अब काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मेंशन होने लग गई है. सकते हो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल रही हैं क्लोदिंग की. लाइक ये पॉलिएस्टर मटेरियल का, इसका कोई स्ट्रेच नहीं है, कैजुअल स्टाइल है, रेगुलर फिट है. और नीचे आते आते आपको पूरी मेजरमेंट मिलती है, तो आप इंची टेप से क्रॉस चेक भी कर सकते हो. नेक्स्ट अप इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली नॉट माई स्टाइल. आई थिंक जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जो देखते हैं मेरे OOTDs, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं काफ़ी पोस्ट करती हूँ. आई एम नॉट समन हू वेयर दैट इन्फ्लुएंसर वाले ब्लिंगी ब्लिंगी कपड़े, लेकिन आई डोंट नो, मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई. आजकल ऐसा स्टाइल चल रहा है, तो मैंने ले लिया कि चलो फ्यूचर में कभी स्टाइल कर लेंगे. सो ये है सीक्वेंस पैंट, जो मेरा लेने का बहुत मन था. मैंने H&M पर जाके भी ट्राई की थी, आई थिंक वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और आई डोंट नो, मुझे वाली समझ नहीं आई. प्लस वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजी भी थी. सो आई वाज लाइक, इतना पैसा लगाओ भी और ट्रांजी भी मिले तो लेने का क्या फ़ायदा है. बट द गुड थिंग इज, ये जो अर्बैनिक वाली शाइनी शाइनी वाली पैंट है ना, ये प्रॉपर आपको विद लाइनिंग मिलती है. आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी ब्लैक कलर की इसमें अंदर लाइनिंग है, तो इससे बिल्कुल भी सी थ्रू वाला इशू नहीं है. बिल्कुल भी वो ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं लगती, तो पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है. लेंथ इसकी ऑब्वियसली काफ़ी लंबी है, बिकॉज आई एम शॉर्ट, बट इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है, कटवानी पड़ेगी. बट आई लव इट, आई थिंक काफ़ी अच्छी डिस्को में जाएं वाइब्स दे रही है. इसका कलर है बाय द वे पर्पल, ये एक ही कलर में अवेलेबल है. इसमें पर्पल है और इसमें आपको साइजेस मिलते हैं SML XL. आई थिंक मैंने जो साइज ऑर्डर किया है, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक आई फॉरगॉट द साइज दैट आई ऑर्डर्ड इज S. सो S का फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी आई है, बिकॉज यहाँ पर आपको मिल रही है इलास्टिक, तो अच्छा खासा आपको स्ट्रेच भी मिल जाता है. एंड आई लाइक इट, मतलब काफ़ी ब्लिंगी ब्लिंगी शाइनी लग रही है. अभी विंटर्स में भी अगर आपको प्लेन सा बोरिंग सा डार्क कलर का स्वेटर पहन लो ना, और उसके बाद इसको टीम अप कर लो, तो काफ़ी अच्छा लगेगा. और नीचे बूट्स या हील्स पहन लो, काफ़ी प्यारी लगेगी. नाउ दिस इज लिटरली द ओनली थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इन ब्लैक. और ये मैंने पता नहीं क्यों ऑर्डर करी, मैं इतने सेक्सी कपड़े पहनती नहीं हूँ, बट चलो रख लिया. आई थॉट कुछ अगर डिफरेंट वे में, लाइक साड़ी के साथ पहनना हो या फिर एथनिक वे में भी उसको एज अ ब्लाउज पहनना हो, तो अच्छा लगेगा. बट आई थिंक इसकी प्रॉपर ब्रालेट वाली लुक है, तो उसको मैं वेस्टर्न वे में कैरी करूँगी तो सही लगेगा. तो पीछे आपको ऐसे हुक्स मिल रहे हैं, प्रॉपर वाले जो बैक हुक्स मिलते हैं ना आपको, वो वाले हुक्स मिल रहे हैं जो लाइक ब्रा एंड ऑल में मिलते हैं. और इसमें नेट का काम है, पीछे हल्का हल्का ट्रांजी आप देख सकते हो, प्रॉपर ये ट्रांजी वाला है. लेकिन जो कप्स वाला एरिया, लाइक जहाँ पर आपके बूब्स आएंगे, वहाँ पर आपको एक अच्छा डबल स्टिचिंग मिलती है. बाकी जितना भी एरिया है वो सारा यहाँ पे ट्रांजी ट्रांजी है. वो स्टिकॉन्स ही पहनने पड़ेंगे, आप नॉर्मल रेगुलर ब्राइज के नीचे नहीं पहन सकते, इसमें स्टिकॉन्स ही जाएगी. बट आई लाइक इट, आई थिंक पहन के काफ़ी अच्छी सेक्सी लुक आ रही है. आप देख सकते हो मैंने इसको पिंक वाले ब्लेजर के साथ टीम अप किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम इन्फ्लुएंसर ब्राइज दे रहा है, जैसे कि आजकल पहनते हैं ना. बट क्या लेट्स सी, इसको मैं पहन पाऊंगी या नहीं. काफ़ी बार तो मैं कपड़े ले लेती हूँ, लेकिन रियल लाइफ में इतना पहन नहीं पाती. आई थिंक इसको मैं साड़ी के साथ पहन सकती हूँ. लाइक अगर हल्का सा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो ना, एक अच्छी सैटिन की या फिर नेट की कोई साड़ी हो, तो काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज इसकी लुक काफ़ी प्यारी, एकदम ब्लाउज जैसी है, ब्लिंगी लाइक लुक एट द शाइन. अभी भी कितना सही ब्लिंग कर रहा है. बट इसका जो नेट का पूरा काम है ना, ये आपको काफ़ी पास से ही पता चलेगा. ब्लाउज भी ऐसा सेक्सी वाला सिलवाने जाओगे, आप मटेरियल लोगे, स्टिचिंग का दोगे, तो 1500 आपके कहीं नहीं गए. तो उस हिसाब से द प्राइस इज डिसेंट. आई नो ये विंटर हॉल है, लेकिन मेरा बड़ा मन था एक अच्छी सी सीक्वेंस वाली ड्रेस ऑर्डर करने का, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने अर्बैनिक का हॉल बनाया था, तो मैंने आपको दो सीक्वेंस वाली ड्रेसेस दिखाई थी. अर्बैनिक इज फेमस फॉर इट्स सीक्वेंस सेक्सी पार्टी वाली ड्रेसेस. तो मैंने एक ऑर्डर करी है जो बहुत टाइम से मेरे अर्बैनिक की विशलिस्ट में थी. लास्ट टाइम भी जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ना, तब भी मैं ये सोच रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं, तो उसको मैंने अपने विशलिस्ट में डाल के रख दिया था. बट दिस टाइम आई ऑर्डर्ड इट, मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था. सो ये दिखती है कुछ इस तरह से. ये बेसिकली वन शोल्डर ड्रेस है, एक शोल्डर आपका कंप्लीटली ऐसे बेयर जाएगा और सारा जो फोकस है वो एक दूसरे शोल्डर पे जाता है. और इसमें आपको सबसे पहले ये एक स्ट्रैप मिलती है जो एडजस्टेबल है, तो इससे आपको एक अच्छा होल्ड आ जाता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. लाइक मेरी जो इस साइड की फिटिंग आई है ना, वो खाली स्ट्रैप की वजह से आई है, बिकॉज ओवरऑल ड्रेस हल्की सी मुझे ढीली है, लाइक अंडर आर्म के एरिया पे हल्की सी ढीली है. अदरवाइज हिप एरिया और जो टमी एरिया होता है ना, वो तो एज यूजुअल मुझे टाइट ही आता है. इसलिए
मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा ही ऑर्डर किया था, मैंने एस में नहीं ऑर्डर किया बिकॉज एस आ तो जाता लेकिन बड़ा फंसा हुआ था। मैंने एम ऑर्डर किया है एंड दैट इज द रीजन वाई कि अंडर आर्म्स के एरिया पे थोड़ा सा मुझे लूज आ रहा है, सो उसका मुझे कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो इसका जो ये वाला एरिया है ना, अभी मेरे ऊपर थोड़ा सा ड्रूपी ड्रूपी आ रहा है, सो उसका मैं कोई जुगाड़ ढूंढ लूंगी, इसी कुछ फिटिंग एंड ऑल करा दूंगी बिकॉज ओवरऑल आई रियली लाइक इट। बहुत प्यारी लुक दे रही है, ये नी कवर ड्रेस है जो हल्का सा मिड लेंथ जैसी होती है ना वैसी होती है, बहुत प्यारी एक अच्छी ग्रेसफुल लुक आ रही है, मतलब लुक सेक्सी एट द सेम टाइम ग्रेसफुल भी काफी लगती है। इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं, एक शैम्पेन कलर है जो ये कलर है बाय द वे, इसमें आपको ब्लैक भी मिलता है, व्हाइट कलर भी मिलता है, सो मैंने शैम्पेन वाला कलर ऑर्डर किया है। वर्क दिस आउट, ओवरऑल आई रियली लाइक इट। सो इसमें जो सीक्वेंस है वो ऐसे वाले हैं, आप देख सकते हो जो स्टिच्ड वाले होते हैं ना, ऐसे सीक्वेंस का काम होता है जैसे स्टिच स्टिच किया होता है। पीछे आपको स्लिट भी मिल रही है सो दैट यू कैन वॉक प्रॉपरली बिकॉज जब नी कवर लेंथ होती है ना तो स्लिट ना हो तो काफी ज्यादा चलने में टाइट टाइट फील होता है, इसमें ऐसा नहीं है बिकॉज पीछे स्लिट अच्छी मिल रही है। ओवरऑल इसकी लुक काफी ग्रेसफुल है, बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, खाली इसकी फिटिंग का इशू है जो मैं डेफिनेटली करा लूँ। आई लिटरली थॉट कि ऑल खत्म हो गया और मैं पैकअप करने लगी थी, बट फिर मुझे याद आया ये जीन्स मैंने फीचर करी नहीं, सो जैसे मैंने वो ब्राउन वाली ऑर्डर करी थी ना सेम ये लुक वाइज वैसी है, वाइड लेग जीन्स है लेकिन ये ग्रे कलर में, आजकल ग्रे कलर भी काफी अच्छा लगता है। इसकी लेंथ मुझे काफी परफेक्ट आई है, ब्राउन वाली हल्की सी लंबी है लेकिन इसकी लेंथ इज लाइक टू द पॉइंट विद माई हाइट, ना ज्यादा छोटी है ना ज्यादा लंबी है, सो मुझे कटवानी कोई नीड नहीं है। अगेन फिट बहुत अच्छा है इसका, इसमें मैंने जो साइज ऑर्डर किया है दैट इज एम, एम का फिट मुझे बहुत अच्छा है, हाई राइज पे बहुत अच्छा आ रहा है। मेरा जो वेस्ट साइज है वो 28 है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता, हाई राइज पे मैं 28 साइज के अराउंड या 30 ही लेती हूँ बिकॉज ब्लोटिंग काफी बार हो जाती है, सो मैं हमेशा एक साइज अप करके चलती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे मीडियम काफी अच्छा है, वेरी नाइस ग्रे कलर। काफी बार होता है ग्रे चाहिए होता है लेकिन वो ना बढ़िया नहीं लगता ब्रांड्स में, इसका मुझे ग्रे कलर काफी अच्छा लगा। इसमें जो स्टिचिंग भी जा रही है ना साइड में वो अलग कलर की नहीं है, मैंने अच्छी अच्छी ब्रांड्स में देखा है ग्रे कलर की डेनिम होती है और फिर स्टिचिंग का धागा बड़ा अजीब सा एक अलग सा कलर का होता है जो बहुत गंदा लगता है मेरे को, बट इसमें वाला इशू नहीं है। अगेन द पॉकेट्स आर रियली नाइस, आपको प्रॉपर डीप पॉकेट्स मिल रही हैं, आगे दो मिल रही हैं पीछे दो मिल रही हैं, विच इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस, सो या ओवरऑल आई लाइक इट। एंड फाइनली दिस ह्यूज अर्बैनिक हॉल इज ओवर, काफी टाइम लग गया शूट करने बट आई होप ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट रही होगी। बहुत लड़कियां पूछती रहती हैं यार अर्बैनिक ट्राई करो, विंटर्स का कुछ बताओ, सजेशन दो, और ये सारे कपड़े ना काफी मॉडेस्ट कपड़े हैं, दीज आर नॉट लाइक छोटे छोटे वैसे कपड़े, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैक वाला ये जो क्रॉप टॉप है ना, इसके अलावा आई थिंक सारे कपड़े ऐसे हैं जो हर लड़की पहन सकती है, दे आर नॉट दैट रिवीलिंग एज वेल, सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन यूज माई कोड Kashaka25, ये एफिलिएट कोड नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ फिलहाल ये एफिलिएट कोड नहीं है, मैं से कुछ भी अर्न नहीं करी, दिस इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है, उनको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अर्बैनिक पर। अर्बैनिक पर वैसे भी सेल हमेशा चलती रहती है, अप टू 70% ऑफ आपको मिलता ही रहता है, कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, सो Kashaka25 जो कोड है ना, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा आपके ऑर्डर पर, और अगर आप ओल्ड यूजर हो तो आपको 15% ऑफ मिलेगा आपके ऑर्डर पर, सो डू चेक इट आउट। आप जो भी शॉप करो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करना, कुछ पहनोगे शॉप करोगे बताना यार, मेरा कोड कोई भी यूज करता है, नॉट जस्ट इन फैशन, कोई भी कैटेगरी में मेरा कोड यूज करो, प्लीज मुझे टैग किया करो इंस्टाग्राम पर, सो दैट मुझे भी दिखे मेरी ऑडियंस क्या ले रही है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।